मैं आपको ऐसे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ जिसे आप सब जानना चाहिए। भाई ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, दुनिया की बात छोड़ो यार, इंडिया के में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सिर्फ पैसों के लिए यह पढ़ाई नहीं होती। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ऐसे जब से स्कॉलरशिप प्रोग्राम आया है, बहुत सारे बच्चों की स्कॉलरशिप की वजह से पढ़ाई हो रही है। ऐसे लाखों एग्जाम्पल है मिल जाएंगे कि आप लोग सिर्फ स्कॉलरशिप में वो पढ़ाई करते हैं। आज के हम वीडियो में बात करेंगे ऐसे जो बच्चे, क्या आप लोग चाहते हैं कि अगर आपके आप फॉरेन में या फिर इंडिया के बाहर पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन पैसों के लिए आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, अगर ऐसा है तो आज इस वीडियो और सिर्फ आपके लिए। और भी अगर जो भी बच्चे स्कॉलरशिप मतलब कि पैसे के लिए अपना पढ़ाई रोक चुके हैं उनके लिए ये वीडियो होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो हम ऐसे कुछ ये स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे जिसके आपको महीने की या फिर साल में आपको ऐसे स्कॉलरशिप मिलेंगे करीबन 2 लाख आप टू लाख्स तक आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। भाई 2 लाख ये तो ऐसा अगर आप ऐसे मान सकते हो, अगर ये ऐसे ही बोल रहा हूँ तो ये गलत है, मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ ही दिखाऊंगा। चलिए शुरुआत टाइम करते हैं बिना गवाई टाइम गवाए। हर हर एक एक वीडियो में मैं हर एक का स्कॉलरशिप का मैं नाम के साथ उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा। अगर आपको उसके बारे में डिटेल्स जानना चाहिए तो कमेंट में बता देना यार, मैं जो उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए। सबसे पहले आते हैं हरल्ड लासेल स्कॉलरशिप प्रोग्राम। देखो ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम उन लोगों के लिए, बेसिकली उन लोगों के लिए जो बच्चे रिसर्च से जो बच्चे अपने रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर रिसर्च को लेके बहुत दूर आगे जाना चाहते हैं। इसके अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अगर आपको किसी भी रिसर्च ओरिएंटेशन के साथ आपको आपका रिसर्च का जो भी आप अगर ये आप रिसर्च में जो जाना चाहते हो इसका आपको कोई भी प्रूफ देना पड़ेगा, उसके साथ ही आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर बेनिफिट्स की बात करूँ तो 100,000 USD जो कि $1,000 आपको रिसर्च के लिए सपोर्ट मिलेगा। एंड इसके अगर डेडलाइन की बात करूँ तो 7 फेब 2021। एंड अगर आप इसको इस अप्लाई करना चाहते हो, देखिए यहाँ पे अप्लाई ये फ्लास कर रहा है। अगर आप गूगल पे लिख के सर्च करोगे कि हरल डासो स्कॉलरशिप प्रोग्राम तो आपको मिल जाएगा। अगर फिर भी ना मिल जाए तो मैं इस लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके क्लिक करना है इस फ्लास जो हो रहा है अप्लाई बटन पे। तो निश्चित आपके है कि इस तरह से ये साइंस स्टूडेंट के लिए, ये केवल साइंस स्टूडेंट के लिए। हाँ भाई ये आपने सही सुना है कि अगर आप किसी साइंस के अलावा अगर आप कॉमर्स या फिर आर्ट्स से बिलोंग करते हो या फिर किसी और सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो तो ये एक आपके लिए नहीं है, तो आप ये जगह या फिर ये इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, ठीक है ना। देन सिर्फ कुछ ही मिनट के लिए इसको स्किप करना, क्योंकि आपके लिए भी दूसरे स्कॉलरशिप है जो कि मैं आप इसके बाद ही बताऊंगा कि साइंस स्टूडेंट में बेसिकली केरला इस ए जो भी प्रतिभा स्कॉलरशिप प्रोग्राम में बेसिकली केरला ओरिजिन मतलब कि अगर आप इंडिया के केरला से बिलोंग करते हो तभी आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। एंड किस किस बच्चों को सिर्फ क्या केरला के हर एक बच्चे को मिलेगा? जी नहीं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो किसी डिग्री से मतलब बेसिक और नेचुरल साइंस इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी से अगर आप कर रहे हो तो ही आप इसके लिए एलिजिबिलिटी हो। इसके कुछ और भी एलिजिबिलिटी है जो कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर इसके लिए आपको 90% 10th और 12th में अगर हायर सेकेंडरी जो कि हायर सेकेंडरी एग्जाम है उनमें उनकी बोर्ड की एग्जाम में आपको 90% मार्क लाना पड़ेगा। एंड फॉर SC ST के लिए यहाँ पर भी आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि आपको यहाँ पर भी रिलैक्सेशन मिल जाती है कि 80% आपको अगर आया तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। 23 सब्जेक्ट मेंशन कर दिया गया है, किस किस 23 सब्जेक्ट है वो आप जाके देख लेना या फिर मुझे बताना, मैं उसको लिस्ट डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड बेनिफिट्स की बात कहूँ तो फर्स्ट ईयर में अगर 3 साल का जो जो भी बैचलर डिग्री होता है उसमें फर्स्ट ईयर आपको मिलेगा 12,000 एंड सेकेंड ईयर मिलेगा आपको 18,000, थर्ड ईयर मिलेगा 24,000। एंड PG कोर्स जो कि सब्जेक्ट टू स्कोरिंग मिनिमम 75% इन अंडर ग्रेजुएट कोर्स, मतलब कि अगर आप PG कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको मास्ट 75% स्कोर लाना पड़ेगा अंडर ग्रेजुएट में। एंड PG के फर्स्ट ईयर में आपको मिलेगा 40,000 एंड सेकेंड ईयर में आपको मिलेगा जो कि 60,000 पर ईयर, ठीक है ना।
एंड इसकी डेडलाइन की बात करूँ तो 30 जैन 2021। एक बात आप लोग ध्यान में रखो कि यहाँ पे मैं जो डेडलाइन बता रहा हूँ बहुत ही कम है, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप जाके अप्लाई कर दो। अब तीसरे नंबर पे आते हैं सीमेंस स्कॉलरशिप फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। देखो ये केवल ही केवल उन बच्चे के लिए जो इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। किसी भी अब हर एक यूनिवर्सिटी से या हर एक कॉलेज से जी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसके अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो अगर आप किसी भी कॉलेज से, मतलब कि किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से मैकेनिकल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन, मतलब कि लगभग हर एक ब्रांच से अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपको एंड किसी गवर्नमेंट कॉलेज से ये इसे अप्लाई, किसी गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप इसे पढ़ाई कर रहे हो तब इस स्कॉलरशिप के लिए आप, सीमेंस स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो। अगर बेनिफिट्स की बात करूँ तो एनुअल स्कॉलरशिप कम एनुअल स्कॉलरशिप एनुअल स्कॉलरशिप कंपराइज एनुअल स्कॉलरशिप ट्यूशन फीस, अलाउंस फीस, बुक्स, अलाउंस फॉर बुक्स, स्टेशनरी, हॉस्टल, एडिशनल, मतलब कि इसके लिए कोई आपको अमाउंट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जो कि एनुअल वो आपका हॉस्टल चार्ज होगा या फिर एडिशनल क्लासेस के लिए जो भी चार्ज या फिर ट्यूशन फीस, उनके लिए आपको अलाउंस में या फिर छूट मिल जाएगी। अब अगर चलिए इसकी और इस एक चलते बात, हैं दूसरे और की विद्या सारथी के आर रेटिंग स्कॉलरशिप स्कीम 2021, विद्या सारथी के आर रेटिंग स्कॉलरशिप, ये क्या स्कॉलरशिप है? देखो यार, ये स्कॉलरशिप बेसिकली बैचलर्स ऑफ डिजाइन, नर्सिंग एजुकेशन, मास्टर ऑफ कॉमर्स, मतलब कि एमबीए, सॉरी एमबीए, एमबीएस, पीजीडीएम, पीजीडीएम अगर आपको नहीं मालूम है तो आप कमेंट करना, मैं बता दूंगा। फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, इन सब कोर्सेस के लिए आपको इस विद्यासारथी के आर रेटिंग स्कॉलरशिप मिलता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो आपका 10th में मिनिमम 50% नंबर आना चाहिए, जो कि हर एक बच्चा का आता है मैं उम्मीद करता हूँ, एंड 50% 12th, जो कि उसमें भी हर एक बच्चा का, हर एक का आता है। एंड स्कॉलरशिप के अमाउंट की बात करूँ तो 50,000, समझ सकते हो यार, 50,000 बहुत होता है कि एक मिडिल क्लास या फिर एक पुअर फैमिली के लिए बहुत ही होता है। एंड इसकी अगर डेडलाइन की बात करूँ तो 31 जैन 2021, तो जल्दी जाओ यार, क्या कर रहे हो, अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया तो करो जाके। उसके बाद चलते हैं दूसरे और, सैमसंग स्टार स्कॉलरशिप 2021 फॉर आईआईटी एंड एनआईटी स्टूडेंट्स। जी हाँ, आपने सही पढ़ा है या फिर सही सुना है, आईआईटी और एनआईटी, जो भी बच्चे अपना जो बैचलर या आईआईटी और या बैचलर वो या फिर अपना डिग्री जो आईआईटी और एनआईटी से ले रहे हैं, सिर्फ वो बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। देता कौन है इस स्कॉलरशिप को? सैमसंग, जो हमारे सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड है, वो स्कॉलरशिप को प्रोवाइड करवाता है। सबसे बड़ी बात इसकी, अगर आप इसके अमाउंट सुनोगे तो चौंक जाओगे, ठीक है ना। इसकी अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ, देखो ए बी ओ बी सबके लिए ना, जो भी बच्चे जौहर नवोदय से, जौहर नवोदय जो कि हमारे इंडिया में बहुत ही पॉपुलर इंस्टीट्यूट है, उनसे अगर जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन, उसके बाद जो बी बी टेक या फिर डुअल डिग्री, अगर आपने बी टेक प्लस एम टेक जो डुअल डिग्री होता है उसे भी अगर आप परस्यू कर रहे हो तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। बात करें इसकी एलिजिबिलिटी और भी डिटेल्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं स्क्रीन पे हो रहा है, आप देख ही सकते हो। अगर बेनिफिट्स की बात करूँ तो एप्लीकेशन स्कॉलरशिप अमाउंट अप टू 2 लाख, समझ 2 लाख, इसे ध्यान से सुनो यार, 2 लाख आपको मिल सकता है, ठीक है ना। एंड अगर इसकी लास्ट एप्लीकेशन की लास्ट डेट, अगर डेडलाइन बताऊँ तो 25 जैन 2021, तो बहुत ही कम टाइम है, आप जाके इसे अप्लाई कर दो। उसके बाद चलते हैं दूसरे और एक स्कॉलरशिप जो कि है क्वीन एलिजाबेथ कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप। देखो यार, आप स्कॉलरशिप के टाइटल से ही समझ सकते हो कि इसके लिए कितना है। देखो, जो भी बच्चे स्टडी 2 ईयर्स मास्टर्स डिग्री इन लॉ और मेडिकल क्लास इनकम, मतलब कि अगर आप लॉ में मास्टर्स करना चाहते हो 2 साल की और एंड कॉमनवेल्थ से बिलोंग करते हैं तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो। और भी डिटेल्स अगर एलिजिबल की बात करूँ तो जो कि कॉमनवेल्थ कंट्री से बिलोंग, अगर आप कॉमनवेल्थ कंट्री से बिलोंग करते हो तभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो,
अप्लाई करने के लिए आपको किसी का रेफरेंस आपको जो कि एक वैलिड जो कि एक वैलिड आपका रेफरल चाहिए। और बेनिफिट्स की अगर बात करूँ तो फुल्ली फंडेड ट्यूशन फीस, मतलब समझ सकते हो यार पूरा साल भर का पढ़ाई का खर्चा पूरा उठाएगा, ठीक है ना। पूरा ट्यूशन फीस यार बेसिकली एक बात समझ लो, आफ्टर 12th आपको अगर आफ्टर प्लस टू के बाद सिर्फ ही ट्यूशन फीस ही लगता है बेसिकली। अगर डेडलाइन की बात करूँ तो 18 जैन, मतलब कि आज लास्ट डे 18 जैन, मतलब कि आज सिर्फ आज आपका 14 है तो 18 जैन आपको लास्ट डे, जल्दी से जाओ और अप्लाई करो यार। एंड दूसरे और एक स्कॉलरशिप की बात करूँ तो प्रोटेक्ट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप 2021 एट नेदरलैंड्स, जो भी बच्चे, हाँ जी यार ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो बच्चे बाहर पढ़ना चाहते हैं या फिर बाहर के मतलब इंडिया के बाहर अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके लिए स्कॉलरशिप है। इसकी अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो एकेडमिक एक्सीलेंस एंड प्रॉमिस इन द प्रपोज्ड फील्ड इन ऑफ स्टडी, द एकेडमिक क्वालिटी एंड रिजल्ट्स ऑफ क्वालिफिकेशन, 10% ऑफ क्लासेस ग्रेड्स टेस्ट स्कोर्स, समझ सकते हो, राइटिंग सैंपल एंड लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन। आपको मास्ट आपको रिकमेंडेशन चाहिए कि आप जो बाहर पढ़ाई कर रहे हो इसका आपका सबूत क्या है, या फिर आपका और भी जो भी डिटेल्स है वो आप इस वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो, ठीक है ना। फर्दर डिटेल्स चेक कर सकते हो। अगर डेडलाइन की बात करूँ तो 31 जन 2021 है। एंड बेनिफिट्स की बात करूँ तो यार ट्यूशन फीस प्लस 11,000 यूरो लिविंग एक्सपेंसेस, मतलब कि यार आप वहाँ पे जो अगर फॉरेन की बात करूँ तो अगर यूरोपियन कंट्री में जो भी अगर नेदरलैंड की बेसिकली नेदरलैंड की स्कॉलरशिप उटेक यूनिवर्सिटी नेदरलैंड्स के लिए है, जो भी बच्चे उटेक यूनिवर्सिटी नेदरलैंड्स में पढ़ना चाहते हैं उसके लिए ये स्कॉलरशिप है। पूरा ट्यूशन फीस आपको दिया जाएगा स्कॉलरशिप से, पूरा यूनिवर्सिटी के फंड से आएगा। एंड आपको रहने के लिए 11,000 लिविंग एक्सपेंसेस दिया जाएगा। अप्लाई कर सकते हो आप, 31 जन इसका लास्ट डेट है। बस इतना ही, वीडियो कैसा लगा वो बताना। एंड सबसे बड़ी बात आज के लिए इतना ही, मैं दूसरी वीडियो में कोई भी अगर क्वारी रहा इसके रिलेटेड, अगर कहीं समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो बताना यार। आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।